आज भारी बारिश के साथ ही मुंबई में मानसून ने दस्तक दे दी है। सुबह से यहां बारिश हो रही है। वहीं मुंबई के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक क्षेत्र में अगले 5 दिन में मौसम बिगड़ने की कई चेतावनी दी गई है। इस दौरान मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए मुंबई, पालघर और थाने में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि कोकण किनारा पट्टी के कुछ जिलों के लिए येलो और रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज मुंबई के लिए रेड अलर्ट और 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई सहित कोकण किनारा पट्टी में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। मुंबई और आसपास के इलाकों में हो रहे बारिश का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जायजा लिया। सीएम ने पानी जल्द से जल्द निकाल जाए और यातायात सुचारू रूप से चले ये देखने के लिए निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने मानसून आने की घोषणा की थी और अगले 3 दिनों तक हल्की और तेज बारिश होने का अनुमान भी लगाया था। भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले ही आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक बुलाकर सभी एजेंसियों को तैयार व सतर्क रहने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री ने यह देखने के लिए भी निर्देश दिया कि कोविड सहित अन्य किसी भी प्रकार के मरीजों की देखभाल में किसी भी प्रकार की कोई बाधा न आए। मुख्यमंत्री ने पुलिस और अन्य एजेंसियों को भी निर्देश दिया है कि मुंबई में परेशानियों को दूर करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए। मौसम एजेंसी के अनुसार पिछले 24 घंटों में शहर में भारी बारिश दर्ज की गई है। मुंबई में 60 मिमी, मुंबई कोलाबा में 77 मिमी बारिश हुई है। हरनाइक में 69 मिमी, रत्नागिरी में 113 मिमी, मुरमुगांव में 68 मिमी की रफ्तार में बारिश हुई है।